हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मार्कोनी काप के नियम को देखेंगे और प्रति मार्कोनी काप के नियम को देखेंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए मार्कोनी काप के नियम को आसानी से देखते हैं। देखिए मार्कोनी काप का नियम क्या कहता है ना, ध्यान से पढ़िए और इसके समीकरण को देखिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, जब एक असममित अभिकर्मक को एल्किन के द्विबंध वाले कार्बन में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस द्विबंध वाले कार्बन में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज थोड़ा से समझ में नहीं आएगा, और जैसे ही मैं इसका समीकरण बताऊंगा उसमें आप लोगों को ये लैंग्वेज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका सबसे पहले मैं रासायनिक समीकरण लिखता हूँ, फिर ये लैंग्वेज अपने आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर असममित अभिकर्मक को एल्किन के द्विबंध वाले कार्बन में जोड़ा जाता है, तो द्विबंध वाले कार्बन जो होता है उसको एल्किन कहते हैं। ठीक है, तो एल्किन ले लेते हैं, यहाँ पर एल्किन, तीन कार्बन वाला एल्किन ले लेते हैं, तो ये है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन, इसका नाम है प्रोपीन। ठीक है, अब देखिए इसमें असममित अभिकर्मक ले लेते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अब देखिए लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, असममित अभिकर्मक, ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड असममित अभिकर्मक, और इसमें एल्किन के द्विबंध वाले कार्बन में जोड़ा जाता है, तो ये है एल्किन और इसमें द्विबंध वाले कार्बन ये दोनों हैं। ध्यान से देखिए, द्विबंध वाले कार्बन यही दोनों हैं, तो इसी द्विबंध वाले कार्बन में इसको जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है देखिए, तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस द्विबंध वाले कार्बन में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, तो द्विबंध वाले उस कार्बन में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आप ही लोग देख लो, इसमें दो कार्बन है जो कि द्विबंध से जुड़ा है, तो इसमें यदि मैं देखूंगा तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या एक है और इस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या दो है, तो ये जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। अर्थात यहाँ पर भी ऋणात्मक भाग कौन है, यहाँ का साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को ब्रोमीन लेने वाला है, तो ये माइनस चार्ज होगा ब्रोमीन, और हाइड्रोजन क्या चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, तो इसमें ब्रोमीन जो है माइनस है और हाइड्रोजन जो है प्लस है। तो इस लैंग्वेज के आधार पर द्विबंध वाले कार्बन में जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, सॉरी, इसमें ऋणात्मक भाग जुड़ेगा जिसमें कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3CH। देखो, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है तो इसमें जुड़ने वाला अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग जुड़ता है, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है तो ये धनात्मक भाग जुड़ता है। इसी को मार्कोनी काप का नियम कहते हैं। ठीक है, एक बार लैंग्वेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए, फिर ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार और पुनः, जब एक असममित अभिकर्मक को एल्किल के द्विबंध वाले कार्बन में जोड़ा जाता है, ठीक है, द्विबंध वाले कार्बन के साथ इसको जोड़ा जाता है, तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग और ये धनात्मक भाग है, तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस द्विबंध वाले कार्बन में जुड़ता है, द्विबंध वाले कार्बन में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, इसमें कम है और इसमें अधिक है, तो जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है वहां पर ऋणात्मक भाग जुड़ता है, और जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है वहां पर धनात्मक भाग जुड़ता है, जैसे कि यहां पर मैंने जोड़ रखा है। इसका नाम क्या है, 2-ब्रोमो-प्रोपेन। ठीक है, यहां से आप लोग 1, 2, 3 दे सकते हो, तो 2-ब्रोमो-प्रोपेन इसका नाम है। ठीक है, अब देखते हैं प्रति मार्कोनी काप का नियम। तो देखिए, अब प्रति मार्कोनी काप का नियम, इसको खरास प्रभाव भी बोला जाता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये
मार्कोनी काप के नियम के जस्ट अब विपरीत है, ये भी बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए प्रति मार्कोनी काप का नियम क्या कहता है, जब एल्किन में असममित अभिकर्मक परऑक्साइड की उपस्थिति में जुड़ता है, ये परऑक्साइड की उपस्थिति में जुड़ता है, ठीक है, जब अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्किन होता है और उस एल्किन में जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग वहां पर जुड़ता है जहां पर द्विबंध वाले कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, तो इस नियम को प्रति मार्कोनी काप का नियम कहते हैं। देखिए समीकरण से आप लोगों को और अच्छा से समझ में आएगा, यहाँ पर मैं समीकरण को लिख देता हूँ, जैसे कि CH3CH2, ये है एल्किन, ठीक है, ये है एल्किन, इसमें अभिकर्मक को बना देता हूँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, ये जो होता है रिएक्शन वो परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, ठीक है, परऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, तो इसमें क्या होता है, एल्किन है, ठीक है, तो इस एल्किन में द्विबंध वाला कार्बन ये है, ठीक है, तो जुड़ने वाले का अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग कौन है, ब्रोमीन है, और धनात्मक भाग कौन है, हाइड्रोजन है, तो इस नियम के आधार पर क्या कहता है, द्विबंध वाले कार्बन में उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है वहां पर ऋणात्मक भाग जुड़ेगा, और जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है वहां पर हाइड्रोजन जुड़ने वाला है, ये ठीक मार्कोनी काप के नियम का जस्ट उल्टा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है वहाँ पर ऋणात्मक भाग जुड़ेगा, यही है मार्कोनी काप के नियम के जस्ट उल्टा प्रति मार्कोनी काप का नियम, ठीक है, एक बार और ध्यान से पढ़िए, आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए जब एल्किन में असममित अभिकर्मक, ये है असममित अभिकर्मक, ठीक है, और ये है एल्किन, अर्थात इसका नाम है प्रोपीन, इसका नाम क्या है, प्रोपीन है, डबल बॉन्ड रहता है उसको एल्किन बोला जाता है और इसका नाम है प्रोपीन, ठीक है, तो एल्किन में असममित अभिकर्मक परऑक्साइड की उपस्थिति में जुड़ता है जब अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, जब अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध वाले उस कार्बन से जुड़ता है, द्विबंध वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो, अर्थात ये ऋणात्मक भाग यहाँ पर जुड़ा है, ठीक है, और धनात्मक भाग जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है वहाँ पर जुड़ा है, इसी को प्रति मार्कोनी काप का नियम कहते हैं, ठीक है, आप लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आप लोग इन दोनों को अच्छा से तैयार कर लो क्योंकि ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के बेस से, ठीक है।